हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी कंप्यूटर की फोर्थ क्लास की बुक है, ग्रेड 4 लिखा है इस पर। जितना जल्दी हो सके आप बुक्स ले लीजिए। आपका कंप्यूटर का थ्योरी वाला पार्ट इन वीडियोस में कवर होगा। ये आपका इंडेक्स है जिसमें आपके 8 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है आपका हिस्ट्री, जो हम आज पढ़ेंगे। किसी भी चीज़ की हिस्ट्री जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। आपने SST पढ़ी होगी, SST में भी आपका एक सब्जेक्ट होता है हिस्ट्री, क्योंकि आज जो भी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं डिपेंड करती है कि पास में वो चीज़ें कैसी थी। तो हमारा बहुत जानना ज़रूरी है कि जैसे कंप्यूटर्स हैं जो आप अपने स्कूल में चलाते हैं, वो पहले कैसे हुआ करते थे, कैसे पुराने टाइम में कैलकुलेशन। जैसे मैं एक एग्जाम्पल हूँ, गाड़ी जो आज हमारे आसपास कार्स चलती हैं, हमेशा से ऐसी नहीं थी। हमारे पास तो व्हील तक नहीं था, तो पुराने अगली मैन ने धीरे धीरे करके व्हील बनाया, फिर एक वुडन कुछ ले जाने का, यहाँ से वहाँ ले जाने का बनाया होगा। फिर उसके बाद कैसे 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 करके वो कार डेवलप हुई, ऐसे सेम कंप्यूटर्स के साथ है। तो पहले कंप्यूटर्स कैसे हुआ करते थे, वो कैलकुलेशन कैसे किया करते थे, और उन कंप्यूटर से कितनी हेल्प हो पाती थी, हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर। क्या हिस्ट्री थी कंप्यूटर्स की? कंप्यूटर हेल्प अस इन डूइंग मैनी डिफिकल्ट कैलकुलेशन इजीली। आप सभी को पता है कंप्यूटर जो है बहुत सारे डिफिकल्ट कैलकुलेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, इजी कर देते हो कैलकुलेशन। आपको पता है आपने कभी कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया हो तो विद इन सेकेंड्स आपके पास बड़े आंसर आ जाते हैं। दे ऑल्सो हेल्प अस इन मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क में भी वो हमारी हेल्प करते हैं। बट डू यू नो कंप्यूटर्स वर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। क्या आपको पता है कंप्यूटर हमेशा हमारे पास नहीं थे। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स हो गए, बहुत साल पहले मैन यूज टू कीप अकाउंट ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग बोन्स, स्टोन्स एक्सेट्रा। लोग कैसे नंबरों का ध्यान रखते थे? बोन्स और स्टोन से। बोन्स कहाँ से आते थे आपके उनके पास? आपने पढ़ा होगा अर्ली मैन के बारे में, वो क्या करते थे? खाते थे, जानवरों को मारकर खाते थे, तो जो उनसे बोन्स बन जाते थे, बच जाते थे, तो वो क्या करते थे, उनकी हेल्प से नंबर्स का ध्यान रखते थे। आपको पिक्चर भी दिख रहा है, इसके सामने बोन्स है, तो बोन्स की हेल्प से ये नंबर्स को याद रखने की कोशिश कर रहा है। एज द नीड टू डू लार्ज कैलकुलेशन ग्रू, जैसे ही लार्ज कैलकुलेशन की नीड जनरेट हुई, क्योंकि हमेशा छोटी छोटी कैलकुलेशन से काम नहीं चल सकता है। जैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, शायद एक नंबर को एक से मल्टीप्लाई करना होगा आप कर लेंगे इजीली, दो को दो से करना होगा वो भी कर लेंगे, लेकिन तीसरे को तीसरे मल्टीप्लाई करने के लिए या तो आपको बहुत टाइम लगेगा या आपको कैलकुलेटर की हेल्प चाहिए होगी। तो जैसे ही बड़ी बड़ी कैलकुलेशन की नीड्स जनरेट हुई, तो पीपल अटेम्प्टेड टू डेवलप मशीन्स। क्या उन्होंने कोशिश करी? ऐसी मशीन्स बनाए जो क्या कर पाए? फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। क्या कर पाए? फास्ट कैलकुलेशन कर पाए। ऐसी मशीन्स बनाने का अटेम्प्ट किया। द अर्लीस्ट नोन डिवाइस यूज टू कैलकुलेशंस, द अर्लीस्ट नोन डिवाइस यूज टू डू कैलकुलेशन इज अबैकस। और सबसे पहला डिवाइस जो कैलकुलेशन में काम करने के लिए बनाया गया, वो क्या नाम था उसका? अबैकस। लेटर ऑन एफर्ट्स वर मेड टू डेवलप बेटर डिवाइसेस, और उसके बाद और भी एफर्ट्स डाले गए और अच्छे डिवाइसेस बनाने के लिए, विच कुड डू मोर एंड मोर डिफिकल्ट कैलकुलेशन एट फास्ट स्पीड, जो कि क्या कर पाए? बहुत बड़ी बड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बहुत तेजी से कर पाए। ऐसे डिवाइसेस बनाए गए। फ्रॉम अबैकस टू टूडेज कंप्यूटर, अबैकस है और जो कंप्यूटर्स आज आपके पास हैं, जो आपके घर पे हैं या आपके स्कूल में हैं, एफर्ट्स ऑफ मैनी मैन वर इन्वॉल्व। बहुत सारे लोगों का एफर्ट, बहुत सारे लोगों का ब्रेन, बहुत सारे लोगों की मेहनत, बहुत सारे लोगों का हार्डवर्क सब इन्वॉल्व है इसके पीछे। एज अ रिजल्ट मैनी डिफरेंट मशीन वर डेवलप, जिसकी वजह से क्या हुआ? बहुत सारी अलग अलग मशीन का डेवलपमेंट हुआ। लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ दीज डेवलपमेंट, कुछ डेवलपमेंट्स हम यहाँ पढ़ेंगे, विच लेड टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, जिसकी वजह से हमारे पास आज वो कंप्यूटर पहुंचे जो आज आपके घर और स्कूलों में है। सबसे पहला कंप्यूटर क्या है, क्या था? अबैकस। अबैकस वॉज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन इन्वेंटेड इन चाइना। चाइना ने बनाया था फर्स्ट कैलकुलेट करने वाला मशीन, जिसका नाम था अबैकस, टू काउंट लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स को काउंट करने के लिए। अबैकस इज मेड अप ऑफ वुडन फ्रेम, कैसा बना था? लकड़ी का बनाया था उन्होंने। इट इज काउंटिंग डिवाइस, काउंट करने वाला डिवाइस था, दैट कंसिस्ट ऑफ अ फ्रेम होल्डिंग रॉड्स। ये देखिए, ये जो है बाहर का ये वुडन का था और इसके अंदर आपको ये जो व्हाइट व्हाइट लाइनें दिख रही हैं सब रॉड्स हैं।
ऑन विच अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ बीड्स आर फ्री टू मूव। आप देखिए एक स्पेसिफिक कलर की बीड्स है, सब ऊपर रेड है, फिर येलो है, ये ग्रीन है और डार्क है, तो ये अलग अलग बीड्स थी और ये फ्रीली इधर से उधर जा सकती थी। सिंपल कैलकुलेशंस, और इसकी हेल्प से हम क्या कर पाते थे, सिंपल कैलकुलेशन जैसे एडिशन और सबट्रैक्शन वर परफॉर्म यूजिंग द अबाकस, और इसकी हेल्प से हम जैसे हमारे एडिशन और सबट्रैक्शन इसकी हेल्प से कर पाते थे। तो इसी के साथ आपको वीडियो का फर्स्ट पार्ट खत्म होता है, और आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ई का फर्स्ट व्हाट इज अबाकस, वो इसी में आपको मिल जाएगा, और आपको ढूंढ के लिखना है। आज का होमवर्क इतना ही, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।